फगवाड़ा विखे दो परिवार विचकार होए मामूली विवाद दे चलदे आ बीती रात सतनामपुरा विखे सत लोग जख्मी हो गए। इस संबंधी एक धिर दी अनीता भनोट ने दस्या कि उन्हां दे परिवार दे तीन लोग बाजार गए हुए सन कि उन्हां दे गुआंढी ने उन्हां दे बच्चियां नाल गाली गलोच की, जिस तों बाद जदों वह गुआंढी नाल गल करन लगे तां गुआंढी ने बेसपैड नाल हमला कर दिता, जिस विच उन्हां दी 9 साला बच्ची समेत परिवार दे तीन लोग जख्मी हो गए, जिस बाबत उन्हें फगवाड़ा पुलिस को सूचित कर दिता है। गुआंढी है सी उत्थे गए सी बाजार शर्मा ज्वेलर्स ते बच्चे घर गले सी, उन्हां दा फोन आया भी सामने वाले गाला कढ रहे हैं। असीं जद ही वापस आए तां मैं उन्हें लड़की नूं पुछिया भी गाला क्यों कढ़ियां, बस इन्हें कहन दी देर है, सगों हाथों पाई हो गए। मेरे नाल बेटा मैनू छुड़ाण आया भी, उन्हें गला फड़िया, मेरा कपड़े खिंची, मेरा शॉल जमीन ते सुट के, तो बच्चा मैनू छुड़ाण आया, उसकी पिठ ते बैट इन्ना मारिया जोर जोर ते ना बैट भी टुट गया, उन्हां दा बेस बैट मुंडे नूं मारिया बड़ी जोर ते बड़ी मुश्किल नाल छुड़ाया, फिर मेरे ते मारिया उन्हां गले ते, गला घुटिया भी उन्हें, मेरा कपड़े खिंचे कपड़े भी फाड़े उन्हें मेरे गले दे, प्यो पुत दोनों ने कुड़ी ने सारे बाल पुट्टे मेरे सारा। किन्ने जाने सी सर? वो 4 जाने सामने अनिल कुमार बंसल है, वाइफ रजनी, बेटा सनी और बेटी विशाली। बेस बैट ने किन्ने कुटिया? सर प्यो ने। सामने आई है, जिस विच बेस बैट नाल कीता हमला साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस नूं लेके जदों दूसरी धिर नाल गलबात करन दी कोशिश कीती तां उन्हां कुछ भी कहन तों इनकार कर दिता। उधर एएसआई थाना सतनामपुरा परमिंदर सिंह पट्टी ने कहा कि पुलिस वालों दोवां धिरां दे बयानां ते बनदी कार्रवाई की जाएगी। दो पार्टियां लड़ाई हुई है, एक बने है अनिल गुप्ता, पीयूष गुप्ता ते रजनी गुप्ता, दूसरी धिर हैगी अमिता राणी गुप्ता भनोट ते उहदा लड़का है दिवांशु भनोट। इन्हां दी दोनों धिरां आपस लड़ाई हुई है, एमएलआर वसूल हुई वा, दोनों धरां ने डॉक्टर साहब के बयान देने काबल लिख दसिया, जिन्होंने अपना बयान लिखाया है कि साड़िया एक्से हुए है सट्टा संबंधी, एक्से रिपोर्टा आने बाद असी जी है बयान देकर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, जिदा भी बयान जो भी बयान देंगे जो लीगली प्रोसैस बनता होगा उस हिसाब से कार्रवाई की। तो कि दोनों धर किसी ने भी बयान नहीं दिते? हम दोनों धर ने यही कहा भी साड़िया एक्से रिपोर्टा आने ही अं बयान करवाएंगे। तो कि यह कोई परचा वगैरह दर्ज कर लिया गया? नहीं, परचा कोई दर्ज नहीं, बयान देने जो लगी सब पूरा कर देंगे।